मास्क हटा ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी हैप्पी व्लॉग। फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग की 8 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पाव भाजी। और फ्रेंड्स, पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गाजर, गोभी, टमाटर, आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे बीटरूट भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मटर मैंने पहले से छुरा के रख लिए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला यूज करूंगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकर को अच्छे से गर्म होने के लिए रख लिया था। उसमें डाला है थोड़ा सा रिफाइंड तेल। गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद जितनी सारी सब्जियाँ जो मैंने काटी है सबको डाल दूंगी। और उसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल के सीटी लगा दूंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 6-7 सीटी लगानी है, क्योंकि सब्जी जो है वो अच्छे से हमारी पक जानी चाहिए, जो दबाने से एकदम से वो मैश हो जाए। और फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बस जल्दी जल्दी काम करके और नाश्ता बनाकर बस मैं और हस्बैंड निकल ही जाएंगे, क्योंकि 11 बजे का टाइमिंग है, वहाँ पे हमें टाइम से पहुँच जाना है। और फ्रेंड्स, ये पाव के पैकेट हैं, आपको ये जनरल स्टोर पे आसानी से मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं सब्जी जो है मेरी बहुत अच्छे से पक गई है। इसे मैंने बड़े बर्तन में निकाल दिया है ताकि मैश करने में आसानी हो। और आपके पास अगर आलू मैशर है तो उसे आप मैश कर लीजिए, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं इसे ठंडा होने दूंगी और हाथ से ही अच्छे से मैश करूंगी। पूरा एकदम से मैश नहीं करना है, थोड़े थोड़े दिखते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाला है। थोड़ा सा तेल डालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर डाल दिया है, क्योंकि भाजी जो है वो बटर में ही बनेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे तेल गर्म हो चुकी है तो मैं यहाँ पे 3 बड़े प्याज और 2 शिमला मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिए थे उसको डाल दिया है। और फ्रेंड्स, थोड़ी देर प्याज और शिमला मिर्च भुनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 2 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला डाल दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 2-3 हरी मिर्च मैंने डाल दिया है। और ये जो देख रहे हैं वो फूड कलर है, वो फूड कलर डालने से थोड़ा बहुत कलर आ जाता है सब्जी में, तो दिखने में अच्छा लगता है। और थोड़ा सा लेमन जूस मैं डाल दी हूँ।
और फ्रेंड्स थोड़ी देर इसे भून लेना है। और उसके बाद सब्जी जो मैंने मैश करके रखे थे, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने पूरी तरह से मैश नहीं किए, थोड़े थोड़े जो मटर के दाने वो दिख रहे हैं उसको डाल दूंगी। और फ्रेंड्स भाजी जो है वो मेरी बनके तैयार हो गई है, तो मैं अब पाव सेकूंगी। और पाव को सेकने के लिए मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा बटर डाला है, थोड़ा सा भाजी डाला है और पाव जो है वो बीचों बीच कट करके अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेना है। और फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो निकल पड़े हैं वैक्सीन लेने के लिए, और जिस हॉस्पिटल में लेना है वो घर से थोड़ी दूरी पे है, तो रास्ते में जो जो चीज़ देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी। और बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं यहाँ पे, तो वो सब मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और फ्रेंड्स ये जो फॉरेस्ट देख रहे हैं ये एयरफोर्स स्टेशन के बगल में है, इसका नाम है जरकम्बा सेंट्रल रिजर्व फॉरेस्ट। और दोस्तों इसके अंदर बहुत बड़ा लेक है, जो लोग पहले से यहाँ पे है वो बताते हैं कि यहाँ बहुत सारे जानवर भी रहते थे, जैसे नाम से आप समझ गए होंगे ये जंगल जो है वो चंदन के पेड़ का है। और फ्रेंड्स सारे इलाके में चंदन के ही पेड़ हैं, बारिश के मौसम में अगर आप इस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको चंदन की खुशबू आती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे दिन रात एयरफोर्स के पुलिस तैनात रहते हैं चंदन के पेड़ की निगरानी करने के लिए, और यहाँ पे एयरफोर्स के लोग यहाँ पे रेंज फायरिंग करने भी आते हैं। दोस्तों ये जो रोड है वो BEL रोड है, ये रोड BEL कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम पे पड़ा है। दोस्तों BEL जो है वो यहाँ पे आने वाली शुरुआती कंपनियों में से एक है। दोस्तों बेंगलोर का इसरो का हेडक्वार्टर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। दोस्तों जो मूवी आई थी मंगलयान अक्षय कुमार और विद्या बालन की, उसकी शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। और फ्रेंड्स ये बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम है, सारे इंटरनेशनल मैचेज और IPL यहीं पे होते हैं। और फ्रेंड्स दो IPL मैच मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ देखा था, और उस समय मैं विराट कोहली और धोनी को बहुत ही नज़दीक से देखने का मौका मिला था। और चिन्नास्वामी स्टेडियम अंदर से बहुत ही भव्य है, बहुत ही शानदार है। और फ्रेंड्स इसी के लगे हुए HAL का ऑफिस है, यहाँ पे HAL द्वारा बनाया गया तेजस फाइटर जहाज का एक डेमो रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये बेंगलोर का गोल्फ पार्क है, इस पार्क में ऐसे ही नहीं जा सकते हैं, इसकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है जो लाखों में होती है।
लूज रखिए आप उधर बेटा, टू डेज नो स्मोकिंग में तो पेन या फीवर आएगा तो देखो 650 लेना और फाइनली फ्रेंड्स हम लोग का वैक्सीनेशन लग चुका है और कोवैक्सीन लगाए हैं और समीक्षा बहुत रो रही थी इसलिए हम लोग जल्दी से घर जाना चाह रहे हैं क्योंकि उसे में हम लोगों ने बहुत मनाया था कि कुछ लेके आऊँगी तभी वो चुप हुई नहीं तो वो भी बहुत रो रही थी कि मुझे भी इंजेक्शन लेना है तो हस्बैंड ने जैसे तैसे मनाया कि जब बच्चे का आएगा तो फिर तुम्हें ले जाऊँगा तो फाइनली वैक्सीनेशन लग चुका है कोवैक्सीन लगा है और बहुत अच्छे से लगाया थोड़ा बहुत पेन तो पेन सब लोग को भूख लग गई थी और थोड़ा दूर भी था रास्ता तो फाइनली थोड़े से आए हम लोग बर्गर खाने के लिए और समीक्षा को भी मन था बर्गर खाने का तो उसके लिए भी पैक करा लिए माँ के लिए भी मनीष जी के लिए पैक करा लेंगे और इंजेक्शन लगने के बाद मुझे थोड़ा सा कमर में पेन हो रहा है और पता नहीं फीवर कब आएगा फीवर का वेट हो रहा है कि फीवर कब आएगा तो कोवैक्सीन लगाए हैं हम लोग और बहुत टाइम हो गया घर में सब लोग लगा लिए हैं माँ भी लगा लिए मनीष जी भी लगा लिए बस हम दोनों ही बचे थे और फाइनली आज का ही डेट सेलेक्ट हुआ कि आज हम लोग जाके लगाएंगे तो फाइनली लगा भी लिए हैं सेफ भी है लगाने से सेफ भी है कि हाँ अभी तीसरा लहर सुनने को मिल रहा है कि आने वाला है तो क्यों इसे पहले ही लगा लिया जाए अब सेकेंड वैक्सीनेशन के टाइम हम लोग सब फैमिली साथ में जाके एक साथ लगा लेंगे कोई आगे पीछे ना हो तो दोस्तों ये जो है ये आपका न्यू बीएल रोड का मैटी स्टोर है राइट तो मैं इसमें काफ़ी साल पहले आया था अपने फ्रेंड के साथ वो मेरे स्कूल फ्रेंड था कृष्णा करके अभी तो वो नेवी में है तो मतलब हम जनरली एज अ फैमिली ज़्यादा आपको पिज़्ज़ा खाते हैं बट आज मैंने सोचा कि हम लोग चलते हैं बर्गर खाते हैं तो बर्गर मुझे अच्छा लगा था मतलब लगता है बट देन जनरली हम लोग खाते नहीं तो मैंने बोला चलो एक बार जाके बर्गर खाएंगे एंड तो इसीलिए जो है हम लोग ने सोचा चलो बाहर निकले हैं और अभी थोड़ा कोरोना भी डाउन है तो चलो खा लेते हैं पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले और सही बोलो तो इतने फुर्सत भी नहीं मिलती कि आदमी घूमते फिरते आए और कहीं पे बैठ के बर्गर खा रहा हो तो जनरली आदमी घर में मंगा के कुछ खा पाता है तो इसलिए जो है अभी हम लोग यहाँ पे ही खा के एंड देन हम लोग घर जाएंगे और अभी तक तो बुखार आया नहीं है तो उससे पहले थोड़ा इंजॉय कर लें उसके बाद तो आई थिंक एक आध दिन तो सोते सोते निकल जाएंगे राइट तो यही है तो दोस्तों ये दोनों जो है ये बर्गर हमने ऑर्डर किया है वेज बर्गर चिकन खाने का मन नहीं है मेरा तो वेज बर्गर ऑर्डर किया है ये कोक है आपका एंड ये फ्राइज़ है ना और बाकी घर वालों के लिए जो है हमने बर्गर ऑर्डर ले लिया है फ्राइज ले लिया है और एक और कुछ लिया है पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी तो चलिए अब हम खाते हैं है ना मास्क हटा ले तो दोस्तों हमने खा लिया अपना जो भी बर्गर बहुत दिन से मन था खा लिया और अब जो है अब हम लोग घर जा रहे हैं और बच्ची के लिए और घर वालों के लिए जो है हमने बर्गर पैक करा लिए हैं और प्राइस पैक करा लिया है तो वहाँ जाके अब उनको भी ये खिलाते हैं और चलिए घर पे मिलते हैं चलिए और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीची बिक रही है जो बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया है और हमारे बिहार साइड लीची बहुत होती है और वहाँ पे बहुत सस्ता भी देता है लेकिन यहाँ पे कुछ कॉस्टली है लेकिन फिर भी लीची पर अच्छा लगता है मुझे तो यहाँ पे लीची भी थोड़ी सी मैंने खरीद लिया है इतना एक किलो क्या भैया इतना एक किलो दे दो
ठीक है चलो। एक कवर में ले लेते हैं आंटी, कवर दे दो आंटी। और फ्रेंड्स सब घर लौट रहे हैं और जो जो सामान दिख रहा है जो घर के लिए जरूरी है, जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, तो वो भी रास्ते में मिल रहे हैं तो खरीद ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले दिन एक नया व्लॉग लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।